क्या क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? अल-तोबा के अंदर आया है उन्होंने अपने रबिस को और मशीक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया और सुरा तरमजी के अंदर चैप्टर नंबर फोर्टी सेवन हदीस नंबर वन फोर्टी सेवन के अंदर आजम ने जब वहाँ पर इसकी तलावत की तो वहाँ से अल मसीह लफ्ज़ गायब है तो क्या मसीह खुदा है क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया और अगर मसीियों ने अपने रबिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया तो फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है थैंक यू अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मजलिस में एक मसीही ने ईसाई ने सवाल किया और ये कहा कि कुरान की सूरत तौबा की आयत नंबर 31 में है कि उन्होंने यानी ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को और मसीह इबन मरियम के अलावा रब बना लिया तो क्या इस आयत से यह साबित तो हो रहा है कि मसीह इबन मरियम भी अल्लाह के साथ वो रब हैं? एक तो सवाल यह है और दूसरा उसने ये कहा कि जाम तिरमजी की हदीस के अंदर और उस हदीस का नंबर है तीन हजार पचानवे जब हजरत मोहम्मद सल्लाम ने कुरान की सूरत तोबा की आयत में थर्टी वन को कोड किया तो उसमें वल मसीह न मरीम ये अल्फाज जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और तीसरा उसने एतराज़ ये किया कि अगर ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को रब बना लिया है तो मुसलमानों ने भी तो अपने उलमा को अपने मशाइ को पीरों को रब बना लिया है जैसे गौस पाक और दाता साहब और ये जो मशाख इन्होंने बनाए हुए हैं इनको इन्होंने अपना रब बना लिया है इस सवाल पर ऑडियंस जो एक मखसूस फिक्र और सोच का तबका डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बैठा हुआ था उन्होंने खुश होकर इस सवाल ही पर तालियां बजानी शुरू कर दी अभी जवाब नहीं आया कि इस सवाल का जवाब क्या है कि क्या मुसलमानों ने अपने मशाए को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया है अभी इसका जवाब नहीं आया जवाब से पहले ही जो एक मखसूस जहनीत के लोग डॉक्टर जाकर नाइक का खिताब सुनने के लिए बयान सुनने के लिए गए थे उन्होंने खुश होकर तालियां बजानी शुरू कर दी और डॉक्टर जाकर नाइक का जब जवाब आया तो उस जवाब ने अपने ऑडियंस को भी मायूस कर दिया और जो एक मखसूस फिक्र और सोच रखने वाले लोग हैं जिनका दिन रात ही बस मशगला ये है कि वो मुसलमानों को काफिर और मशरक़ साबित करने के लिए दिन रात राग ये अलापते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान ये अपने मुशा को पीरों को और को ये खुदा का दर्जा देते हैं नऊद खुदा के साथ मिला देते हैं उनको भी मायूस कर दिया और मिर्जा जैलमी को भी मायूस कर दिया क्योंकि मिर्जा जैलमी भी ये पुराप करना करता है कि ये बरेलवी सुन्नी या मुशरक हैं शिर करते हैं और इन्होंने तो नबियों को मिनी गॉड बनाया हुआ है ये बयान दिया मिर्जा जैलमी ने

कि ये नबियों को मिनी गॉड मानते हैं और औलिया को मिनी रसूल मानते हैं बस ये वो फर्क मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो डॉक्टर जाकर नायक ने जवाब देते हुए यह कहा कि मैं किसी मुसलमान को नहीं जानता कि जो मुसलमान अपने पीरों को खुदा बनाता हो यानी मुसलमान अपने पीरों को खुदा नहीं बनाते अलिया को खुदा नहीं बनाते अंबिया को खुदा नहीं बनाते उनको रब नहीं मानते ये डॉक्टर जाकर नायक ने जवाब देके इन तमाम लोगों को मायूस कर दिया तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं बाबों को बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान जी इस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को रब्बीस को खुदा बना लिया उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया मैं नहीं जानता पीरों को मोम्स को कौन मॉग्स एंड पीरों डॉक्टर साहब पीर दरगाह पीरा पीर अली हजवेरी गोस पाक आपके हिसाब से मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान हम में इख्तलाफ होगा कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता यह आप अभी गलत कह रहे कोई भी क्रिश्चियन अपने रबीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता यह तिरमजी हदीस में लिखा है और आजम ने इसका तर्जमा किया है अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि आपने इस हदीस को इस आयत को किया। भाई साहब ये डिबेट नहीं है आप सवाल पूछे आई एम सॉरी सवाल खत्म हो गया okay. आप लोग कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी। मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूँ जीला होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूँ जो अपने पीर को रब बनाता है और हकीकत यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान वो अपने मशाक और पीरों को रब और खुदा नहीं बनाता और जो अपने पीर को या अपने किसी शेख को खुदा या रब कहता है हम उसे मुसलमान तस्लीम नहीं करते हमारा अहिल सुनत वजमात का अल्लाह के फजल करम से हमारे मशाख हमारे ओलमा के फतवा जात मौजूद हैं हम तो कहते अल्लाह रब्ज़त के अलावा किसी को ना खुदा कहना जायजा है ना अल्लाह रब्ज़त के अलावा किसी को मतलकन रब कहना जायज है जो अल्लाह के अलावा किसी को मतलकन रब कहे या अल्लाह के अलावा किसी को खुदा कहे हम उसको मुसलमान तसलीम नहीं करते जबकि मिर्जा जैलमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के अलावा करोड़ों मिनी गॉड और छोटे खुदा हो सकते हैं और अभी तक अपने इस मुशरकाना अकीदे को डिफेंड कर रहा है कभी कोई चाल चलता है कभी कोई चाल चलता है और ये हमारे ज़िम्मे और हमारे खाते डालता है कि इन्होंने नबियों को मिनी कार्ड बनाया हुआ है और अपनी अलिया को मिनी कार्ड बनाया हुआ है मैं कई मरतबा हवाला जात पेश कर चुका हूँ यहाँ भी मैं इस मसले को इन शाह मजीद वाजे भी कर देता हूँ चंद जात पेश करके ये मेरे हाथ में फतावा रज़िया है इमाम अहिलत अशा इमाम अहमद रज़ाक़ा मोहद बरेली रमत का जिल्द नंबर चौदह सफा नंबर दो सौ टू डबल सेवन पे सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं पहले सवाल है सवाल यह है कि जो शख्स हजरत अली करमल्लाजहा को खुदा कहे और ताजियादारी को जायज़ करे और सजद ताज़ीमी कराए और मुहदसिन सिया पर इल्ज़ाम निकाल डालने अहदीस सहिया का लगाए उस शख्स की नस्बत अलमा कराम क्या फरमाते हैं तो इमाम अहमद रजा मुहद सिबर लिखते हैं किसी बात की तरफ नजर करने की हाजत नहीं बात इसके के मौला अली करम को खुदा कहे यकीन काफिर मुर्तद है यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ मौला अली अल्लाह को खुदा कहे तो इमाम है फरमाते है ऐसा शख्स काफिर है ये फतावा शार बुखारी मेरे हाथ में है इसकी जल्द नंबर एक सफा नंबर एक सौ सतहत्तर पे सवाल का जवाब लिखते हुए शार बुखारी फकीह आजम हिंद मौलाना शरीफुल हक अमजदी अलेमा लिखते हैं कि ये मुस्तान जो एक वली को खुदा कहता है काफिर मुशरक इस्लाम से खारिज है ये भी और जो लोग भी इस कुफरी कौल में इसकी तस्दीक करते हों इन सब लोगों के तमाम अमाल अमाल हसना अकारत हो गए इन सब की बीवियाँ इन सब के निका से निकल गई इन सब पर फ़र्ज है कि फ़ौर बिला तख़िर इस क़लिमा कुफर से तोबा करें फिर से क़लिमा पढ़ कर मुसलमान हों और अपनी बीवियों से नए माहर के साथ फिर से निकाह करें अगर ये लोग इस कुफरी शिरकी अकीदे से तोबा करके फिर से मुसलमान हो जाएं, तो फब वरना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि इन लोगों से मुकम्मल तौर पर मुकात कर लें और अगर इसी हालत में मर जाएं

तमाम मुसलमानों में बिला नकर इतलाक होता रहा है और वो असल में खुद आ है खुदा असल में खुद आ है जिसके माना है वो जो खुद मौजूद हो किसी और के मौजूद किए मौजूद ना हुआ हो यानी कायम बे ही, बे ही कायम भी ज़ाति ही हो और वो नहीं मगर अल्लाह हमारा सच्चा खुदा वल्ल तम तो हमारे ने तो वाजे तौर पर लिखा कि अल्लाह ताली के अलावा किसी और को खुदा कहना जायज़ नहीं और मुतलकन अल्लाह के अलावा किसी को रब कहना भी जायज नहीं हाँ रब का कलिमा अल्लाह ताला के के अलावा जहां कुरान मजीद में के लिए जिक्र हुआ तो वो इजाफत के साथ जिक्र हुआ है। जैसे सूरह यूसुफ में चार पे रब का कलिमा मखलू के लिए जिक्र हुआ है लेकिन वहां इजाफत के साथ इजाफत माना किसी के साथ निसबत करके उसका रब मेरा रब तेरा रब यानी उसकी इजाफत के नस्बत किसी की तरफ होगी तो रब का कलिमा ये इजाफत के साथ मखलूक के लिए इस जिक्र हुआ है कुरान मजीद के अंदर लेकिन मखलूक के लिए मुतलकन रब का कलिमा ये इस्तेमाल करना हरगिज़ जायज नहीं ये हमारा नज़रिया और इसको ने भी बयान किया पहले मैं वो आयात आपके सामने रखता हूँ यहाँ कुरान मजीद में मखलूक के लिए रब का कलिमा ज़िक्र हुआ है सूरह यूसुफ में सैद् यूसुफ अलैहिस्सलाम उसम मिस्र के लिए कहते हैं बी रब्बी स नसवाई कि अजीज मिसर वो मेरा पाले माला है आह अच्छा स उसने मुझे अच्छी तरह रखा यहाँ यहां ने नेजीज़ मिस्र को रब्बी अपना रब यानी अपना पाले माला कहा और इसी तरह सूरह यूसुफ की आयत नंबर इकतालीस में जनाब यूसुफ असरातलम ने अजीज मिस्र के लिए रब का करीमा इजाफत के साथ जिक्र किया और अब जो जेल के साथी थे उनको कहा फयसकी रबहू खमरा कि उनमें से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा कि जेल के साथी को कहा कि तुमने मेरा जिक्र अपने रब यानी अपने बादशाह के सामने करना है जिक्र रब्बी तो उस जो जेल का साथी था उसको शैतान ने अपने बादशाह के सामने यूसुफ अल का जिक्र करने से बुला दिया तो यहाँ कुरान मजीद के अंदर रब्बी, रब्बाहु ये कलिमात जो जिक्र हुए हैं वो रब का कलिमा मखलूक के लिए इजाफत के साथ ज़िक्र हुआ है बगैर इजाफ़त के मुतलकन अल्लाह के अलावा मखलूक के लिए रब का कलिमा इस्तेमाल करना और इसका ज़िक्र करना जायज़ नहीं है हाफिज इबन कसीर, तफसीर इबन कसीर में फातिहा की पहली आयत रब्बिल आलमीन इसकी तफसीर करते हुए आलमीन पर लिखते हैं

और आका के माना में और मुतसरफ के माना में अल्लाह इज़्ज़त के लिए रब का कलीम इसका इतलाक हुआ और यह तमाम के लिए सही है और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए रब का ये इस्तेमाल करना जायज नहीं बल बिल हाँ इजाफत के साथ इस्तेमाल करना जायज है तक व रबा जैसे कि तू कहता रबुदार घर का मालिक या रब्बू कजा यानी रब की इजाफत किसी और की तरफ वह अमर रबु फलायुक सिर्फ़ रब वो अल्लाह ज्ला के लिए ही इस जिक्र किया जा सकता है अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए इसका इस्तेमाल मुतलकन जायज़ नहीं है अब क़लिमा रब जो कुरान मजीद में सैना यूसफ असरातलम ने अजीज़ मिस्र के लिए इजाफत के साथ जिक्र किया और जेल के साथियों को भी जब कहा तो रबाहू और इजाफत रब की जो है ना वो इजाफत के साथ रब का कलमा जिक्र करके ये बता दिया कि इसका जो जिक्र और इस्तेमाल है वो इजाफत के साथ हो सकता है मिर्जा जलमी अपने मिनी गॉड की अकीदा को डिफेंड करने के लिए वो इन्हीं आयात का सहारा लेके ये कहता कि देखें यूसुफ अल इस्लाम फतवा लगाएं क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिनी गॉड का रखा तो ऐसे अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए जिसने चंद सालों की जिंदगी हमेशा के लिए आपको एक मिनी गॉड बना दिया है गॉड उन मानों में नहीं मैंने लिया था मैंने कहा था खालिक और मखलूक का फर्क और जब कहता खालिक और मखलू का फर्क तो फिर गॉड इलाह के मानो में नहीं रह ले रहा बल्कि क्वालिटी के मानों में ले रहा है और ये कुरान में भी मौजूद है ये फतवा हजरत यूसुफ पे भी लगता है सूर्य यूसुफ में जब वो दो बंदे आके ख्वाब बयान करते हैं

जो उन्होंने छोटे छोटे खुदा बनाए थे उनका रद्द कर रहे हैं उसको कुफरिया शिरकिया की दा यूसुफ़ यूसुअरासरम करार दे रहे हैं यहाँ इन नहु नबी अहसर मसवा का यहाँ जो जिक्र हुआ है रब की नस्बत जो है वो इजाफत के साथ जो यहाँ अजीज मिस्र को रब इजाफत के साथ कहा गया है वो खुदा के माना में नहीं है बल्कि इन्ना रबी आसन पाए पाले वाला और लोही माना के अतबार से इजाफत के साथ यहाँ जिक्र हुआ है वहाँ मिनी गॉड और मिनी खुदा का अदा यूसफ ने बयान नहीं किया और कुरने मजीद और अदी सत की बात के अंदर कहीं भी रब का क़लीमा वो मखलूक के लिए इजाफत के बगैर जिक्र नहीं हुआ इजाफत के साथ हुआ है नस्बत के साथ हुआ है तो एक तो मिर्जा जेल्बी का यहाँ मिनी गॉड का अकैदा और तसवर वो भी बातिल करार पाता है ना

बजाय इसके किरबी ग्रामर के अतबार से टेक्निकली तौर पर जवाब देता है कि यहाँ तुम्हारा जो तर्जमा है वो गलत है क्योंकि तर्जमा इसलिए गलत है जो मसीही ने तर्जमा किया था कि उन्होंने अपने पादरीों को और अपने जोगियों को अल्लाह और मसीह इबन मरियम के अलावा रब बना लिया है उसका तरजमा यह गलत इसलिए बनता है क्योंकि वलमसी अबन मरियम यहाँ हालत नसबी में है मनसूब है ये तर्जुमा बनता ही नहीं कि अल्लाह और मसीह इबन मरियम के अलावा रब बना लिया क्यों इसलिए कि वल मसीह अबना मरियम ये मनसूब है हालत नसब बताती है कि वल मसीह वालमसीहना मरियम का अतफ अल्लाह इसमें जलालत पर नहीं है अगर तो होता मिन वल मसीह हिबन मरियम तो फिर वालमसीहन मरियम का अतफ अल्लाह इसमें जलालत पे होता जबकि वल मसीह अबना मरियम हालत नसब में मनसूब है जो बता रहा है कि यहाँ वल मसीह अबना मरियम का अतफ अहबारा पे है और अब तरकीब यह बनेगी इत वल मसीह हबना मरियम अरबा अब मिंदू के उन मसीहियों ने उन ईसाइयों ने अपने पादरी को और अपने जोगियों को और ईसा बने मरियम को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया अब यह तरकीब बनेगी वल मसी बना मरियम मनसूब होने की बुनियाद पर इसका अतफ जो है अहबारहम पे है अब यह टेक्निकल बास थी और एक टेक्निकल जवाब था चूंकि जो ईसाई एतराज करने वाला था वो भी अरबी ग्रामर से ना आशना और ना बलत था और जिससे सवाल किया जा रहा है डॉक्टर जाकर नायक से वो भी अरबी ग्रामर नहीं जानता ना उसे अरबी के कुछ शुद्ध है तो वो अरबी ग्रामर के अतबार से जो टेक्निकली जवाब जो नहीं दे सका वो कहता जी कि आपने तर्जमा गलत किया क्योंकि मेरे पास जो तर्जमा लिखा है वो तर्जमा और लिखा हुआ है ईसाई भी तर्जमे की ऐतराज कर रहा है और डॉक्टर नायक ने उसको जवाब तर्जमे के एतबार से दिया जबकि टेक्निकली और अरबी ग्रामर के अतबार से यह जवाब बनता था और ईसाई का एतराज़ बिल्कुल बातिल और मरदूद है क्यों इसलिए यहाँ जो है वो अल्लाह रबुल्जत की रबूबियत का सबूत बयान किया जा रहा है और अल्लाह रबुल्जत के अलावा जो उन्होंने खुदा बना लिए थे रब बना लिए थे ए, अपने अहबार और अपने जोगी और ईसा बने मरीम उनकी रबूबियत की यहाँ नफी की जा रही है और फिर जो उसने कहा कि जाम तिरमजी की तीन हज़ार पचानवे हदीस के अंदर मसीह हबना मरियम जो है उसका जिक्र नहीं है तो वहाँ वहाँ जो बात मकसूद थी कुरान मजीद की ये आयत मुबारक नबी पाकल्ला वसलम ने बतौर अकतबाश वहाँ जिक्र किया है और ये असूल है इल्मे बलागत का कि जब किसी भी बात को किसी मकाम पर बतौर अकतबास कोड किया जाता है तो जितना हिस्सा वहां मकसूद होता है मुस्तदल होता है उसको जिक्र किया जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्हली वमा ने उस रिवायत के अंदर अगरचे उसकी सरन के ऊपर मोहत का कलाम भी है उस रिवायत के अंदर जो नबी पाक पाकतरम ने सूरह तौबा की आयत 31 को बतौर जिक्र किया है वो अदी इबन हातिम को यह बताना मकसूद था कि ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को रब बना लिया तो चूंकि यह समझाना मकसूद था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने इस मकाम पे बतौर तौबा की आयतम थर्टी वन का इतना तिलावत फरमाया तो आगे बल मसीहना मरियम यहां चूंकि गुफ्तगु और जिक्र इस बात का नहीं हो रहा था बल्कि इस बात का हो रहा था कि ईसाइयों ने ना ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को रब बना लिया तो नबी पाक सात उसम ने इस मकाम पर इकतेबास के तौर पर जो है वो इस आयत को इतना हिस्सा तलावत फरमाया लिहाजा उस पादरी का और उस ईसाई का इतराज भी बातिल है और जो लोग ये बातिल अकीदा मुसलमानों के खिलाफ घड़ के मुसलमानों को मुशरक करार देने की कोशिश करते हैं कि देखें कि इन्होंने अपने अलिया को रब बना लिया खुदा बना लिया डॉक्टर जकर नायक ने उनका भी रद्द कर दिया और उनको भी मायूस कर दिया जिससे ये बात बिल्कुल वाजे होती है कि बहमदिल्ल ताली ये उम्मत उम्मत मुसलिमा है और उम्मते खैर है यह उम्मत तो पर खड़ी है ये अपने उलमा और अपने मशा को रब नहीं मानते बल्कि उनको अल्लाह का बंदा ही मानते हैं